हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग के 10 बजे से। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता वगैरह हो चुका है और उसके बाद मैं यहाँ मैं अपनी अलमीरा ठीक कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे जो मैं नहीं पहनती हूँ, तो मुझे लगा कि चलो इनको भी रख देना चाहिए। तो बस वही सब निकाल रही हूँ, काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे आप देख सकते हो, और इस टाइम पे बहुत कम कपड़े आ रहे हैं, तो फिर अलमीरा में क्यों स्पेस इतना रखना। एक्स्ट्रा जो कपड़े हैं उनको मैं साइड कर दूंगी, बेड में रख दूंगी बाद में। वैसे भी अभी मुझे 3-4 महीने के लिए नहीं चाहिए हैं, तो बस सारे कपड़े मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिए हैं और उनको अच्छे से अरेंज करके मैं बेड बॉक्स में रख दूंगी। तो यहाँ पर बाकी सारे कपड़े मैंने रख दिए हैं, और कुछ मेरे गर्म कपड़े थे तो सर्दियाँ भी जाती जा रही हैं, तो उन्हें भी मैं इसी में रखते जा रही हूँ जैसे जैसे वॉश कर रही हूँ, क्योंकि फिर इकट्ठे बहुत सारे हो जाएंगे और बाद में एकदम से सारा काम नहीं होगा। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह भी रख दिए हैं और उसके बाद में मैं बेड वगैरह ठीक कर रही हूँ और गद्दे भी चेंज करूँगी। और ये वाले गद्दे बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, हल्के ही हैं, तो इनको भी मुझे चेंज करना है। तो अपने डेली की क्लीनिंग वगैरह की, उसके बाद यहाँ पर मैंने मशीन भी लगा दी थी, क्योंकि कपड़े जो मैंने निकाले थे थोड़े बहुत गंदे भी थे और वो भी वॉश होने थे, तो साथ साथ में मेरे कपड़े भी वॉश हो रहे थे और बाकी सारे काम भी कर रही थी मैं। तो यहाँ पर क्लीनिंग के साथ साथ में मेरे कपड़े भी वॉश हो जाएंगे। आप भी ऐसा कर सकते हो, साथ साथ में मशीन लगा देते हो तो कपड़े भी धुलते जाते हैं और बाकी सारे काम भी साथ साथ में हो जाते हैं। और इस टाइम पे कोई भी एक काम करो तो थक जाते हैं, लगातार कोई भी काम नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मेरे कपड़े वगैरह भी धुल चुके हैं और उसके बाद में मैं आप लोगों से मिलूँगी डायरेक्ट दोपहर में। हेलो, तो खाली है, तो सुबह मैंने बनाई थी दाल और अब मेरा दाल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है और घर में कोई सब्जी भी नहीं है। टमाटर, आलू, मटर, बस यही है। तो अब मैं बनाने जाऊंगी आलू की सब्जी, सूखी सब्जी बनाऊंगी। 2-3 आलू ले लेती हूँ मैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ खाने का मन नहीं करता, और सच बताऊँ तो दाल में मिर्च कम थी इसलिए मेरा मन नहीं किया दोबारा से उसको खाने का। तो बस अब मैं फटाफट से आलू छील के और सिंपली बनाऊंगी, क्योंकि अभी दाल भी रखी है तो वो भी खानी है। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। थक गई हूँ बहुत, अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, बट हिम्मत नहीं है, पर खाने का भी मन कर रहा है तो मुझे तो बनानी है ही, बन जाएगी फटाफट से। रोटी बनानी है, रोटी मैं मोस्टली दिन में ही बनाती हूँ क्योंकि फिर ठंडी खाओ, क्योंकि मोस्टली यही टाइम हो जाता है दोपहर के 2:30 के समथिंग टाइम हो जाता मुझे, मतलब खाते 3 भी बज जाते कभी कभी, क्योंकि सुबह पराठे वगैरह खा लेते हैं ना तो इतनी जल्दी भूख नहीं लगती है, और कोई फिर फ्रूट रखा होता है वो खा लेती हूँ बीच में, या थोड़े बहुत कभी कभी कुछ भी खा लेती हूँ ऐसे जो रखा होता है वही मन कर जाता है वही खा लेती हूँ। तो अंडे नहीं है, अदरवाइज़ फिर मैं अंडे की ऑमलेट बना लेती अब थोड़ी स्पाइसी सी। अभी मैंने इनको बोला था, इनकी कॉल आई थी तो मैंने कहा अंडे नहीं है, मुझे अंडे खाने हैं, तो कह रहे थे चलो ठीक है ला के देता हूँ, नेक्स्ट टाइम ला के रख दूंगा। अब कौन नीचे जाए अंडे लेने के लिए, मैंने कहा चलो ठीक है स्पाइसी सी बनाती हूँ। आलू की सब्जी, दाल रखी है, ये हो जाएगा मेरा आज का लंच। तो चलिए थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पर फ्राई पैन मैंने रख दिया है और इसमें डाल रही हूँ मैं सरसों ऑयल। सरसों का ऑयल अच्छा होता है और खाने में भी सब्ज़ी टेस्टी बनती है। उसके बाद में यहाँ पे मैं हरी मिर्च कट कर रही हूँ और लहसुन मैं इसमें नहीं डालूँगी क्योंकि सिंपली बना रही हूँ। और उसके बाद में तेल गर्म हो गया है, जीरा ऐड कर दिया, उसके बाद में हरी मिर्च ऐड कर दी है और ये थोड़ी सी भून जाएंगी। उसके बाद में मैं यहाँ पर आलू डाल दूँगी, यहाँ पर ये 3 मीडियम साइज़ के आलू हैं, और इनको चला दूंगी मैं अच्छे से। और उसके बाद में यहाँ पर ऐड कर दूंगी मैं सबसे पहले नमक, नमक डालने से जल्दी से सब्ज़ी गल जाती है। और 5 मिनट मैं इनको ढककर पका लूँगी। तो यहाँ पर ये हाफ पक चुके हैं और उसके बाद में 5 मिनट और मैं इनको पका लूँगी। तब तक मैं अपने यहाँ पर टमाटर कट कर रही हूँ वॉश करके, और 2 ही टमाटर मैं इसमें डालूँगी, प्याज नहीं डाले हैं।
क्योंकि प्याज थे ही नहीं। और इसके बाद मैं अच्छे से इनको चला लूँगी। आप देख सकते हो मेरे आलू जो हैं वो गल चुके हैं। तो चेक करने के बाद यहाँ पर जो टमाटर कट किए हैं वो भी मैं ऐड कर दूँगी और इनको पकते रहने दूँगी। ढककर 2 मिनट मैं पका लूँगी इनको। तो यहाँ पर देखिए मेरे जो सब्ज़ी वगैरह है वो पकती रहेगी और साथ साथ में मैं अपने आटे की भी लोई बना रही हूँ क्योंकि मुझे रोटी बनानी है साथ साथ में। और बस मेरे टमाटर जो है वो थोड़े से पक चुके हैं और उसके बाद में यहाँ पर मैं मसाले ऐड कर दूँगी। तो मसाले में मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। नमक हमने पहले ही ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मैं भून लूँगी और आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हो, बट मुझे थोड़ी सी पानी वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है तो मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी इसमें और हल्की सी ग्रेवी हो जाएगी। आप जितना चाहे उतना पानी ऐड कर सकते हो। तो बस 5 मिनट इसको ढककर मैं पका लूँगी और साइड में मैं बना रही हूँ अब साथ साथ में रोटियाँ। और गैस का फ्लेम अभी चालू ही है क्योंकि सब्ज़ी में एक उबाल तो आना ही चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं अपनी रोटियाँ वगैरह भी बना लूँगी और सब्ज़ी देखिए कितनी अच्छी बनी है, यम्मी यम्मी सी। यहाँ पे मेरी थाली जो है वो रेडी है, दाल की सब्ज़ी और आलू की सब्ज़ी और रोटी। आप लोग भी खा लीजिए। शाम का तो शाम के काम अपने स्टार्ट करने थे तो यहाँ पे 6 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है। और कपड़े वॉश किए थे वो भी उतार कर रखने हैं, सूख गए थे कपड़े। और बस थोड़ी बहुत देर मैं यहाँ पर टहलूँगी और उसके बाद में चली जाऊँगी मैं नीचे। तो यहाँ पे देखिए सूरज बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा चलो रिकॉर्ड कर लूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। Bye-bye. Take care.